हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेजी रॉक के बारे में। गाइस, रेजी रॉक का डुओ काउंटर बताएंगे गाइस, प्लस क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या रेजिस्टिविटी है गाइस, और क्या उसके काउंटर्स होंगे, और लास्ट में बताएंगे गाइस हम लोग कि कौन सी लीग के लिए बढ़िया है और क्या इसके बेस्ट मूव सेट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने का है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये करने का गाइस, ठीक है। और गाइस चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस फटाफट से। गाइस तो सबसे पहले बता दूं यार, मैंने सुबह ही दो रेड्स कर लिए हैं गाइस। तो ये दो रेड्स जो मैंने की हैं दोनों ही बूस्टेड रेड हैं गाइस। तो इनकी आप लोग सीपी देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। तो ये है मतलब आईवीज तो कतई मतलब बेकार है गाइस। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग इसका एक अच्छा 100% आईवी क्या होगा वो भी बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस इसकी वीकनेस के बारे में, ठीक है। वीकनेस के बारे में बात करेंगे तभी हम लोग काउंटर पर जा पाएंगे। तो जैसे कि रेजी जो पोकेमॉन है गाइस, ये क्या है गाइस आप देखेंगे तो पूरा टोटली रॉक टाइप है गाइस। टोटल क्या है, ये रॉक टाइप है। तो रॉक टाइप होने की वजह से इसकी वीकनेस भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है गाइस। तो इसकी कोई भी डबल वीकनेस नहीं है। तो अगर हम बात करें डुओ करने की, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा रोल आएगा गाइस, वो रहेगा आपका बेस्ट फ्रेंड। आपको बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा किसी भी, जिसके साथ भी आप रेड करो वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। मिनिमम मतलब अल्ट्रा भी चलेगा, या फिर आपका लेवल 40 प्लस हो, एक्सेल कैंडिस की हेल्प से आप कर सकते हो गाइस। वैसे अगर आपका बेस्ट फ्रेंड लेवल जरूरी पड़ेगा क्योंकि एक ही टाइप का पोकेमॉन है गाइस, ठीक है। रॉक टाइप है तो उसकी वीकनेस क्या होंगी, सबसे पहली बात गाइस कि जो भी वीकनेस होंगी वो सब बराबर होंगी, सबके डैमेज बराबर ही रहेंगे गाइस। ऐसा नहीं है कि इसको फ्लाइंग टाइप से दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो इसकी वीकनेस है गाइस फाइटिंग, ग्रास, ग्राउंड, स्टील, वाटर। तो ये इसकी पांच वीकनेस है गाइस। तो इन पांचों पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट पोकेमॉन जो निकलता है, जो रेजी के लिए सबसे खतरनाक रहेगा गाइस, और वो नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है गाइस। वो नॉन लेजेंडरी है इसीलिए मतलब मैं उसका नाम लेना चाहूंगा गाइस। तो मैं आपको यहाँ पर दो ही पोकेमॉन बताऊंगा, वो अगर दो पोकेमॉन आपके पास हैं तो आप लोग डुओ कर सकते हैं। तो वन इज़ मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए गाइस। तो अगर आपके पास मेटाग्रॉस है प्लस उसके पास मेट्योर मैश है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको चाहिए गाइस अच्छी क्वालिटी वाला मेटाग्रॉस, बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कि सरोजनी मार्केट से ले लिया, ब्रांडेड किसी मॉल से लेना पड़ेगा। मतलब उसकी आईवीज भी अच्छी होनी चाहिए प्लस उसके अटैक्स अच्छे होने चाहिए, बेस्ट मूव सेट होना चाहिए गाइस। उसके बाद गाइस आपको चाहिए लुकेरियो। तो मेटाग्रॉस का जो इफेक्टिव डैमेज है गाइस वो 100% है, 100% 100%। वहीं पर लुकेरियो का जो डैमेज है गाइस वो 99% है। बट लुकेरियो का मूव सेट क्या होना चाहिए, काउंटर और ओरोस्फेयर। तो गाइस यहाँ पर 1% का फर्क है। अगर आपके पास मेटाग्रॉस के पास मेट्योर मैश नहीं है तो अगर लुकेरियो तो हो गई क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लो भैया, ऐसे ऐसे पोकेमॉन निकल रहे हैं हाथ से, ठीक है। तो गाइज लुकेरियो जिन लोगों के पास भी, लुकेरियो की टीम बनाओ बढ़िया वाली अच्छी वाली। उसके बाद गाइज हम आगे बढ़ते हैं, एक पोकेमॉन ऑन और है गाइज जिसका नाम है किंगलर। तो किंगलर का नाम आप लोगों ने इतना सुना नहीं होगा रेट्स के लिए, या फिर सुना भी हो तो किंगलर के गाइज आपके पास अटैक्स होने चाहिए बबल और क्रैब हैमर। तो दोनों वर्ल्ड टाइप पोकेमॉन है और बहुत अच्छा डैमेज है इसका, बहुत अच्छा डैमेज है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डैमेज है गाइस। तो मेटाग्रॉस का मैंने बताया बुलेट पंच और मेट्योर मैश, लुकेरियो का काउंटर और ओरोस्फेयर, किंगलर का होना चाहिए बबल और क्रैब हैमर। उसके बाद गाइस फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बहुत सारे हैं, कोंकेल्डर है जिसको काउंटर और डायनेमिक पंच होना चाहिए गाइस। उसके बाद गाइस आपका ब्रिलूम है, काउंटर और ग्रास नॉट, लैंडोरियस है गाइस जो कि मतलब शायद आप में से बहुतों के पास नहीं होगा, क्योगरी भी नहीं होगा गाइस। तो जो मेन पोकेमॉन रहेगा गाइस मेटाग्रॉस, लुकेरियो, किंगलर भी मिल जाएगा इजीली लोगों के पास। तो ये पोकेमॉन ट्राई करो और नाम रोशन करो, ठीक है। बात करते हैं शाइनी की, शाइनी अचीवमेंट की गाइस। तो शाइनी के बारे में एक बात बोल दूं यार, कोई ट्रिक नहीं है ऐसी शाइनी की, बट एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा गाइस। मैंने दो रेड्स किए, दोनों में पता नहीं स्पॉन्सर्ड जिम नहीं था शायद, तो मेरा मानना है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इट्स माई मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है गाइस। अगर आप लोग
स्पॉन्सर्ड जिम में ट्राई करोगे तो आपको शायद शायद बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरी, शायद आपको शाइनी मिल जाए, मैक्सिमम चांस है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो यू कैन ट्राई इन, वैसे आपकी मर्जी है, जो करना करो, हम कुछ नहीं कहने वाले। तो काउंटर के बारे में बात हो चुकी है गाइस, डुओ कर सकते हो, बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंडशिप रिलेशन होना चाहिए गाइस, क्योंकि उसका डैमेज मिलेगा, प्लस आपके पोकेमॉन्स भी सुपर इफेक्टिव होंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस कि कौन सी लीग में सबसे बढ़िया रहेगा, कौन सी लीग में। अभी आप वैसे कई लोग ये वीडियो बहुत लेट देखेंगे तो वो सोचेंगे पोकेमॉन मिलेगा कैसे। इस पोकेमॉन को लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, तरीके काफ़ी हैं, बट एक तरीका जो सबसे बेस्ट है गाइस वो है रेड्स। रेड्स से अगर आप पकड़ेंगे तो आपको अच्छी आईवी प्लस अच्छा खुद को भी फील होगा। दूसरा तरीका गाइस ट्रेड करना है। अगर आपको ट्रेड में चाहिए और अच्छी आईवी का चाहिए तो गाइस आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे गिव अवेज में। तो उस गिव अवे का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ है गाइस वो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो आधे लोग यहीं पर गाली देके निकल चुके होंगे कि क्या वे पैसा मांगता रहता है, बट इट्स ओके। तो मेंबर्स का है गिव अवे, जो भी बंदा मेंबरशिप लेगा और एक टाइम तक हमारे साथ रहेगा उसको हम लोग पक्का गिव अवे करेंगे कोई ना कोई मनचाहा पोकेमॉन, अगर देना पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस फटाफट से। तो अभी बता दिया कैसे मिलेगा, अब गाइस बात करते हैं कौन सी लीग इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो ग्रेट लीग को तो मैं काउंट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता ग्रेट लीग में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी आईवीज का तो इतना नहीं है। ओके गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 100 आईवी का इसका सीपी कितना होगा गाइस। तो अगर हम लोग इसको रेड से पकड़ते हैं गाइस, तो जो नॉन बूस्टेड जो रेड होगी गाइस वहाँ पर आपको ये मिलेगा 1784 सीपी का। अगर मिलता है तो ये 100 आईवी होगा गाइस, 1784 नॉन बूस्टेड में 100 आईवी मिलेगा भाई। बूस्टेड में अगर आप पकड़ते हैं तो 2230, तो ये 21 है। अरे साइन ही आ गया, तो यहाँ पर 21 है, दोनों मतलब हगे हुए हैं गाइस, तो मैं इनको दिखाऊंगा नहीं, बल्कि नाक कट जाती है यार, बिल्कुल यार, हर जगह नाक कटा रखी इन लोगों ने यार। तो हाँ, अब बात करते हैं हम लोग कौन सी लीग में बेस्ट रहेगा गाइस। सो गाइस, अगर हम लोग मैं इसको ग्रेट लीग में काउंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं अल्ट्रा और मास्टर लीग बची गाइस, तो मास्टर लीग में भी काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि मास्टर लीग में इसकी रैंक तो ठीक है 27 समथिंग है, बट मुझे नहीं लेना यार इसको यार, वहाँ पर यार मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें। तो इसको हम लोग सीधे ले चलते हैं गाइस, बेस्ट रहेगा मेरी ख्याल से अल्ट्रा लीग में बेस्ट रहेगा गाइस, क्योंकि अल्ट्रा लीग में इसकी रैंक काफ़ी अच्छी है। तो अल्ट्रा लीग में इसकी रैंक दिखा रहा है 16 दिखा रहा है गाइस। अब बताते हैं 16 रैंक पे क्यों है। आप लोग खुद जानते हो कि अल्ट्रा लीग में कौन से पोकेमॉन ज़्यादा होते हैं। अभी गाइस क्या है कि लोगस फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बहुत आ चुके हैं, वो भी लेजेंडरी वाले, आर्टिगोनो, मोल्ट्रेस, ये सब आ चुके हैं गाइस। तो आर्टिगोनो ज़्यादा यूज़ होता है तो उसके लिए बढ़िया रहेगा गाइस। वहीं पर चारिज़ार्ड का कम्युनिटी डे भी चल रहा है, तो समझ जाओ चारिज़ार्ड को भी ये मतलब रिस्की है चारिज़ार्ड के लिए गाइस। फिर आता है गाइस टोगेकिस, लास्ट मंथ भैया सबने रिसर्च ब्रेक थ्रू में टोगेकिस पेल दिया है गाइस, तो टोगेकिस भी भैया बहुत रहेगा। लैप्रास बहुत ज़्यादा वाइल्ड में अपीयर हो रहा है कई एक दो मंथ से गाइस, तो ये 4-5 पोकेमॉन है गाइस, तो इनसे ये टक्कर ले लेगा। बात की जाए तो गाइस अल्ट्रा लीग के कुछ किंग एंड क्वींस हैं, तो किंग में गाइस हमारा एक ही पोकेमॉन है ग्रेटिना अल्टर्ड फॉर्म, जो कि मतलब बेस्ट पोकेमॉन मुझे लगता है। बाकी वहाँ पर एक क्वीन भी है क्रिसिलिया, जो कि किंग को दबा के रखती है गाइस। तो इन दोनों के सामने कभी मत लेके आना इसको, बहुत मारेंगे सच में। अब बात करते हैं गाइस स्वैम्पर्ड, मेल मेटल भी भैया बहुत रिस्की है, क्योंकि मेल मेटल भी भर चुके हैं। अब आते हैं भैया बात इसकी रेजिस्टिविटी, क्या ये सह सकता है। तो वीकनेस तो बता दी मैंने आप लोगों को, फाइटिंग, ग्रास, ग्राउंड, स्टील, वाटर। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। रॉक टाइप का सिंपल वही 3-4 रेजिस्टेंस है गाइस। आपका पॉइजन हो गया, नॉर्मल हो गया, और आपका फ्लाइंग हो गया, और फायर हो गया। तो ये है बस, इनको लेना है और इनको, इनके सामने शील्ड यूज़ नहीं करना है गाइस बस। तो बेसिक से चीज़ें थी बता दी मैंने आपको। लास्ट में आप बताते हैं वीडियो के गाइस कि हमें इसके बेस्ट मूव सेट कैसे मिलेंगे, मतलब बेस्ट मूव सेट इसके बहुत इजी है गाइस, कोई आपको एलाइट टीएम वीएम नहीं लगाना पड़ेगा। तो रेजी फैमिली का एक मस्त एक फास्ट मूव है गाइस, जो कि लॉक ऑन, काफ़ी एनर्जी जनरेट करता है गाइस। तो आपका बेस्ट मूव सेट रहेगा लॉक ऑन, स्टोन एज और फोकस ब्लास्ट, ये तीन ले लो
और जय माता दी करते रहो गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइस इतना ही है। अभी मैं आपको बता दूं कि आपको ये वेदर बूस्टेड कैसे मिलेगा। तो वेदर बूस्टेड रेड करने के लिए गाइस रॉक टाइप है, तो आपको पार्शली क्लाउडी वेदर ढूंढना पड़ेगा। पार्शली क्लाउडी वेदर ही होता है, क्लाउडी वेदर होता है गाइस, पार्शली शायद से होता है गाइस, शायद से। पार्शली क्लाउडी वेदर में जाओ और रॉक टाइप पे लाओ, ठीक है गाइस। और अगर आप सोच रहे हो कि यार ये मिल गया और इसको पावर अप कैसे करेंगे, तो पावर अप करने के लिए गाइस इसको बडी मत बना लेना। बडी बना के आप इसको बेस्ट बडी बना सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए होगी कैंडीज, रेयर कैंडीज। तो वो कैसे मिलेगी, उसके लिए आई बटन चेक कर लेना। सो गाइस चलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।